नमस्कार, मैं हूं मेहर। खबरें अब तक में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग का किया खुलासा, 16 मुन्ना भाइयों को किया गिरफ्तार। महाराजगंज में सड़क हादसे में 4 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। बकाया मांग को लेकर प्रेरकों ने दिया धरना, जताया आक्रोश। सफाई कर्मचारियों ने दिखाई ताकत, पैदल मार्च कर पदनाम बदले जाने की मांग। अमान्य विद्यालयों के प्रबंधकों का आंदोलन जारी, दोहराई अपनी पुरानी मांग। और हिंदू युवा वाहिनी की पुनर्गठन की तैयारी, कल आयोजित होगा कार्यकर्ता सम्मेलन। अब खबरें विस्तार से। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सॉल्वर गैंग के 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को इलाहाबाद और गोरखपुर से पकड़ा गया है। इस सॉल्वर गैंग के 16 सदस्यों में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील सतेंद्र कुमार सिंह भी शामिल है। आपको बता दें कि 41,520 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा 18 और 19 जून को आयोजित की गई है, जिसके लिए 56 जिलों में 860 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है। कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार का रहने वाला। कहाँ बिहार? बिहार में औरंगाबाद। अच्छा ये बताओ, ये क्या तुम लोग कैसे इन लोगों के संपर्क में आए और कितने दिन से? पढ़ाई के दरमियान में हुई थी और ये पहली बार थी जब हम लोग इस तरह से नकल। पढ़ाई के दरमियान में हुई थी संपर्क। कितने साल से तैयारी हो, कहाँ पे कर रहे हो? ये तो मैं तो यहाँ पे इलाहाबाद में कुछ समय के लिए आया था, फिर मैं चला गया था। किस चीज़ की तैयारी कर रहा है तुम्हारा? मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। कौन सा? जनरल कंपटीशन मतलब ऑल एग्जाम के लिए। मतलब ये बताओ ये कैसे दिमाग में तुम लोग क्या आया कि इस तरह से करा जाए? सर बात है कि पढ़ाई के दरमियान मतलब कुछ कभी कभी पैसे की मतलब की जरूरत महसूस होती थी, कुछ कुछ किताबें वगैरह खरीदने के लिए, तो ऐसा मतलब कि लगा कि इस तरह से कुछ मतलब कि अपना पढ़ाई को मतलब कुछ दूर तक मतलब अच्छा से कर सकते हैं, तो लगा कि कुछ खरीदा तो उतना से अच्छा से पढ़ाई होगी मेरी। कितना पैसा इन अभ्यर्थियों से तुम लोगों को मिल रहा था? ये तो जैसा कि ये बताया कि 10,000 का करवा थे। सॉल्वर को कितना देना था? सॉल्वर ये तो 10,000 तक हम ही को दिए थे ना, मैं ही तो सॉल्वर। अच्छा ये बताओ ये धंधा कितने दिन से कर रहे थे? और ये तो पहली बार हुई थी सर जब हम लोग। कितने अभ्यर्थी तुम्हें मिल गए थे और कितने सॉल्वर को लाइन अप किया? दो अभ्यर्थी से मेरे कोई कंसल्ट नहीं थे। अभ्यर्थी से कोई कंसल्ट नहीं थी मेरी। महाराजगंज जिले के फरेंदा मार्ग के अमहवा बैरियर के पास ओवरलोड ट्रक और ओवरलोड टेम्पो के भीषण टक्कर में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 4 लोगों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको पूरा मामला बता दें, महाराजगंज जिला मुख्यालय से फरेंदा तहसील तक कुल 28 किलोमीटर की दूरी है और जिला मुख्यालय से ऑटो पूरी ओवरलोडिंग करके फरेंदा जा रही थी, तभी जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर यह भीषण हादसा हुआ। सामने से आ रही ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें घटना स्थल पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। एक टेम्पो शहर से फरेंदा की तरफ जा रहा था और अपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रक आ रही थी, उसके बीच में यहाँ पर भिड़ंत हुई आमने सामने। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं टेम्पो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, इसमें 4 लोग को एक्सपायर हो चुके हैं, 4 लोग घायल हैं, जिसे अस्पताल में ले लिया गया है, ट्रक को पकड़ लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं और घायलों को जिला अस्पताल में भेजा गया। नौतनवा से मैं कार्यक्रम करने आ रहा था, मेरी गाड़ी वहाँ रोक दी गई, ये एक्सीडेंट हुआ है। मैंने मौके पे आके यहाँ पे गाड़ी रास्ता साफ करवा के एम्बुलेंस का इंतजार न करते हुए 8 लोग को अपनी गाड़ी में बैठा के तुरंत भेजा। इनके गाड़ी में क्या है सर? इसका मैं प्रूफ हूँ सर। इतना प्रशासन मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर है, ये बहुत ही घोर मतलब जनता के साथ अन्याय। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर विकास भवन से नगर निगम तक पैदल मार्च कर प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। सफाई कर्मचारियों का यह पैदल मार्च नगर निगम पहुंचकर धरने में तब्दील हो गया। सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को रखा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि पंचायत विभाग के कर्मचारियों का नाम बदलकर
पंचायत सेवक किया जाए, बकाया चिकित्सा प्रतिपूर्ति का बजट दिया जाए। कर्मचारी संघ के संरक्षक अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो उनका आंदोलन और उग्र होगा। हमारी 10 सूत्री मांगे हैं जो 2 साल से लंबित हैं। मैं इस धरने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर हमारी 10 सूत्री मांग माननी नहीं गई तो निश्चित है इसका खामियाजा 2019 में भुगतना पड़ेगा। गोरखपुर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा प्रेरकों ने बकाए की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि ये वही प्रेरक हैं जो गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। इससे पहले भी साक्षरता का स्वरूप बदलकर कई दशक तक इन्हीं कर्मचारियों से काम लिया जाता रहा है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन भी इन्हीं प्रेरक कर्मियों के माध्यम से किया जाता है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इन प्रेरक कर्मियों के बारे में सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर ये शिक्षा प्रेरक आज नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में जमकर प्रदर्शन करते नजर आए और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। रोटी रोटी दे मुझको, रोटी रोटी दे मुझको, प्रेरक चंद जिंदाबाद, प्रेरक चंद जिंदाबाद। जी हम लोग शिक्षा प्रेरक हैं और 40 महीने से हम लोगों का बकाया मानदेय भुगतान नहीं हो पा रहा है और हम लोग 125,000 शिक्षा प्रेरक उत्तर प्रदेश के आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। लाखों ज्ञापन हम लोगों ने सरकार को दिया, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री तक को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, सांसद विधायक को ज्ञापन दिया, लेकिन हम लोग मात्र 2,000 रुपये की नौकरी करने वाले शिक्षा प्रेरक आज बेरोजगार हो गए। हिंदू युवा वाहिनी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संगठन को पुनर्गठित करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 19 जून को जिला और महानगर के गठन के संदर्भ में सम्मेलन के दौरान चर्चा की जाएगी। जिले और महानगर के पदाधिकारियों की घोषणा भी की जाएगी। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 करोड़ हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं और हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक थे और संरक्षक रहेंगे। कल गोरखपुर महानगर और गोरखपुर जनपद में संगठन का पुनर्गठन की कार्यवाही प्रारंभ हो गई। तो आप 2002 की बात कर रहे हैं, जिस युवा वाहिनी की बात कर रहे हैं तो उससे आप अलग हो चुके हैं ऐसा? वो हिंदू वाहिनी वही है जिसमें मैं था, मैंने हिंदू वाहिनी खड़ा किया था, महानगर का संयोजक था, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, आज भारत का अध्यक्ष हूँ। तो वही योगी जी संरक्षक रहे और जो महामंत्री हैं समय पीके माल, उन्होंने बताया कि आप लोगों को बाहर कर दिया गया था। योगी आदित्यनाथ जी महाराज 100 करोड़ हिंदुओं के संरक्षक हैं, हमारे भी संरक्षक योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं और हमारा महामंत्री हमको बाहर करे ये किसी संविधान में नहीं लिखा गया है। हमने 2016 में ही पीके मल को बाहर कर दिया। मान्यता की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अमान्य विद्यालयों के प्रबंधकों का आंदोलन जारी है। नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आज भी अमान्य विद्यालयों के प्रबंधक अपनी मांगों को लेकर धरने पर आज 40वें दिन भी बैठे रहे। बीते दिनों शिक्षा विभाग द्वारा अमान्य विद्यालयों पर शक्ति करते हुए उन्हें बंद करा दिया गया। जनपद के सैकड़ों अमान्य विद्यालय बंद हो गए, जिसके विरोध में अमान्य विद्यालयों के प्रबंधकों ने आंदोलन शुरू किया, जो आंदोलन आज भी जारी है। प्रबंधकों का कहना है कि मान्यता के लिए समय सीमा को और बढ़ाया जाए। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, वित्तहीन प्रबंधक सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरने पर बैठे प्रबंधक वैभव चंद द्विवेदी ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभी हम लोग 9 दिन जल सत्याग्रह किए और यहाँ भी हम लोग इतने दिन बैठे
शासन और प्रशासन से कोई हम लोग को पूछने तक नहीं आया, हाल चाल लेने नहीं आया। जल सत्याग्रह के दौरान हमारे 5 प्रबंधक भाई बेहोश हो चुके हैं और उनको अभी भी वो सदर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वहाँ भी कोई शासन प्रशासन का पूछने नहीं गया। जिला पंचायत सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष SP सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिला पंचायत इस समय संकट के दौर से गुजर रही है, इस कारण जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त की योजनाओं की धनराशि से सिर्फ विकास कार्य किया जाए, ना कि वेतन पेंशन भत्ता आदि का भुगतान किया जाए। उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतें वर्तमान में संकट के दौर से गुजर रही हैं। मसलन पहले जहां जिला पंचायतों में 4-4, 5-5 योजनाओं से विकास कार्य होते थे, जैसे राज्य वित्त योजना, BRDF योजना, 14वां वित्त योजना, राष्ट्रीय सम विकास योजना, मनरेगा योजना, इसमें राज्य वित्त योजना को छोड़ करके बाकी सभी योजनाएं बंद कर दी गई और राज्य वित्त योजना से भी उत्तर प्रदेश की सभी जिला पंचायतों में 50% सरकारी कामों पर खर्च किया जाता है। मसलन अगर पैसा आता है 100% में से 25% राज्य कर्मचारियों का, जिला पंचायत कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है, उस पर अनुरक्षण पर खर्च किया जाता है, 25% मरम्मत पर खर्च किया जाता है, मतलब 50% विकास कार्यों के लिए बचता है। इस संबंध में हम लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके NXC भवन में उनसे आवेदन किया कम से कम कि जिला पंचायतों में अगर अन्य कुछ धन नहीं बढ़ पाता है तो राज्य वित्त को कम से कम सिर्फ विकास कार्यों पर खर्च किया जाए। आज के अंक में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CN24।